आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। माह रमजान की आमद पर बीजापुर में ख्वातीन के लिए एक दिन का दीनी इज्तिमा। रमजान की आमद पर ख्वातीन के लिए शहर ए बीजापुर के धनवंतरी हॉस्पिटल के पास मौजूद सागर फंक्शन हॉल में रमजान के हर लम्हे का फायदा कैसे उठाएं, इस उनवान पर ख्वातीन में जीनत आपा के नाम से मशहूर मोहतरमा सैयदा जीनत इनामदार मोहम्मदी का खुसूसी खिताब हुआ, जिसमें कसीर तादाद में ख्वातीन ने हिस्सा लेकर इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। हर साल यह इज्तिमा रखा जाता है, मगर पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी और सरकारी गाइडलाइंस की वजह से यह इज्तिमा नहीं हो पाया था। मगर इस साल कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ख्वातीन के लिए एक दिन का दीनी इज्तिमा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मोहतरमा बीबी बतुल काजी ने इस इज्तिमा के बारे में जानकारी देते हुए इस मर्तबा माह रमज़ान में पहले रमज़ान से 27 रमज़ान तक शहर के सागर फंक्शन हॉल में मोहतरमा सैयदा जीनत इनामदार मोहम्मदी के ज़ेर निगरानी में होने वाले दीनी इज्तिमा में सभी ख्वातीन को इस इज्तिमा में शरीक होकर इससे फ़ायदा उठाने की बात कही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो सहरी का मज़ा, वो अफ्तारी की भूख, वो सहरी का मज़ा, वो अफ्तारी की भूख, वो कुरान की तिलावत और नमाज का माहौल, वो रोज़े का नूर बस कुछ दिन दूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानअल्लाह, आज जो इज्तिमा हुआ है वो रमज़ान के हर लम्हे का फ़ायदा कैसे उठाए, इस ताल्लुक़ से आपा ने बहुत सारी बातों को यहाँ पर वजाहत किए। और कोविड-19 की वजह से 2 साल से इज्तिमा हमारा तरक हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें इजाज़त मिली है और इसकी तैयारी भी हुई है। और ऑनलाइन जो इज्तिमा हुए, इसी वजह से आज औरतों की यहाँ पर तादाद थोड़ी कम है, फिर भी ऑनलाइन में जो तादाद दिखाई जा रही है बहुत है माशाल्लाह। और ये लम्हे फ़िक्र है हमारे लिए कि हम इस कोविड-19 के बीमारी से क्या है उसे उठ कर क्या है, बेदार होकर क्या है, इस माह, इस साल के माह रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला ये माहभर जो महीना भर होने वाला है वो क्या है इज्तिमा में यहाँ शरीक होंगे बीजापुर के तमाम ख्वातीन और आसपास के करियों के ख्वातीन, बहुत सारे ख्वातीन इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर जो भी ख्वातीन आना चाहें, सागर फंक्शन हॉल में यहाँ पर रखा गया है एक माह तक, आप हर साल की तरह इस साल भी आएँ और दीन की बातों से इस्तफादा हुएं और रमज़ान का हर 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 लम्हा, हर घड़ी, हर पल आप क्या है इबादतों से भरपूर गुजारें। मेरा नाम है डॉक्टर बीबी बतूल अमीर हमज़ा काजी, HM UBHPS 6। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे वॉलेंटियर्स हैं जो मीटिंग लिए हैं आपा यहाँ पर सागर फंक्शन हॉल में एक माह तक जो रमज़ान का जो इज्तिमा होने जा रहा है, औरतों के लिए यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है जो रोज़दार नए हैं, और फ़ैन का इंतज़ाम है। और बाकायदा इस साल इंशाअल्लाह ताला हम वॉलंटियर्स और तमाम आपा के जो खैरख्वाह वो जो ख़ास लोग हैं यहाँ पर हम 2 बसेस का इंतज़ाम करना चाह रहे हैं, जो ज़ईफ़ और कमज़ोर लोग हैं जो चलकर नहीं आ सकते, 2 एरिए से बीजापुर के 2 मोहल्लों से 2 बसेस का इंतज़ाम करना चाह रहे हैं। इसलिए तमाम ख्वातीन के, बीजापुर के तमाम ख्वातीन से ये इल्तिमास करती हूँ, अदबन गुजारिश करती हूँ कि अपने आप दिल में इरादा करके शेर के मज़दाक यहाँ पर दीन की दौलत को समेटने के लिए आएँ। इरादे जिनके पुख्ता हों, यकीन जिनका खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, यकीन जिनका खुदा पर हो, तिलातिम खीज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो यहाँ पर दीन की दौलत को समेटने के लिए इस माह रमज़ान में, तो अल्लाह ताला यहाँ पर रमज़ान के महीने में बहुत सारे, जिस तरह मॉल में जाकर हमें जो चीज़ों को ख़रीदने के लिए टूट पड़ते हैं, इसी तरह नेकियों को समेटने के लिए एक नेकी का बदला अल्लाह ताला यहाँ पर 70 नेकियाँ दिए,
एक 70 दर्जात बुलंद किए, तो क्यों ना हम इस माहौल को, माहौल में आकर 70 नेकियों को समेट लेने की कोशिश करें और अपने नेकियों में और नेक आमाल में इजाफा करें इंशाअल्लाह ताला। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।